सर आप में से नेपाल पुलिस के टीम के इंचार्ज कौन है सर? मैं। हाँ भाई सर, आपका शुभ नाम सर? मैं सब इंस्पेक्टर जालंधर के सी। सब इंस्पेक्टर जालंधर के सी। जी जी, आप किस थाने से हैं सर? मैं ये बीओपी मारर। मारर बीओपी से हैं। अभी मैं देख रहा हूँ सर, ये भारतीय पुलिस के साथ आप देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है सर? भारतीय पुलिस ये क्या है सर? भारतीय है ना, SSB है ना, इंडियन है ना, SSB। तो इसके साथ संयुक्त आप पेट्रोलिंग देख रहे हैं? ये काउंटर पार्ट्स है, ये हमारा ज्वाइंट पेट्रोल है, ये चुनाव को लेकर के, चुनाव के लेकर। और दूसरी बात ये है, हम चुनाव इलेक्शन के बाद भी ज्वाइंट पेट्रोल करते रहेंगे। वो करते रहेंगे, पूर्व में भी करते हैं ज्वाइंट पेट्रोल? करते हैं, मतलब सामंजस्य करके आप लोग बॉर्डर को देखते हैं? बॉर्डर को देखते हैं। क्या नाम बताएं सर आप? सब इंस्पेक्टर जालंधर के सी। आप नाम बताएंगे सर? मैं सब इंस्पेक्टर रुपेश कुमार। आप तो SSB में से हैं सर? प्रभारी, SSB प्रभारी हैं सर। आप बताइए सर, तो बताएं आप बताइए कि मतलब किस तरह से पेट्रोलिंग होता है बॉर्डर पर? ये हम लोग ज्वाइंट पेट्रोलिंग करते हैं। पहले तो रूटीन पेट्रोलिंग होता था, ज्वाइंट पेट्रोलिंग, लेकिन अभी इलेक्शन को लेकर के, अभी चूँकि बॉर्डर सील चल रही है 7 तारीख तक, तो इसी तरह हम लोग ज्वाइंट पेट्रोलिंग। अभी बॉर्डर सील है सर? हाँ जी, आवागमन बंद है? बंद है। इमरजेंसी सेवा तो चालू होगा? इमरजेंसी सेवा चालू है, इमरजेंसी सेवा के लिए कोई बात नहीं। अच्छा। लेकिन एज सुचारू रूप से आवागमन इलेक्शन तक बंद रहेगा। इलेक्शन कई तारीख को खुलेगा बॉर्डर? ये 8 तारीख को सुबह खुल जाएगी सर। 8 तारीख को खुलेगा। क्या नाम बताए सर आप? मैं सब इंस्पेक्टर रुपेश कुमार। रुपेश कुमार सर, आप नाम बताएंगे? हेड कांस्टेबल जीडी गोविंद कुमार सर। आप SSB में से हैं जी? आप सर? सशस्त्र प्रहरी हल्दार अमर ठोका। आप नेपाल पुलिस में से हैं? नेपाल पुलिस सशस्त्र प्रहरी। सशस्त्र प्रहरी रोड आउटपोस्ट जी। मैडम? मैडम आप अपना नाम बताएंगी? सशस्त्र प्रहरी जमन सिंह महराई। अभी इसी टीम के साथ हैं सर? के साथ हैं, इसी के टीम में है सर। मैडम आप अपना नाम बताएंगे? सशस्त्र प्रहरी जवान नानू माया रोका। क्या बोले नाम? नानू माया रोका। नानू माया रोका। सर आप नाम बताएंगे? कांस्टेबल जीडी काशी कुमार पासवान, मैं SSB से हूँ। SSB से आप? सर आप नेपाल पुलिस में से? कांस्टेबल सुभाष कुमार सशस्त्र परिबल सीमा सुरक्षा बॉर्डर आउटपोस्ट मारर। सर आप बताएंगे? कांस्टेबल जीडी केशव कुमार पाठक SSB से। SSB से बेतौना पोस्ट से, ओपी से, बीओपी से। सर आप परिचय देंगे? कांस्टेबल जीडी सुभाष पराजुली बीओपी बेतौना। बेतौना बीओपी। सर आप? हेड कांस्टेबल जीडी विशेश्वर प्रसाद सशस्त्र सीमा बल 48BN जयनगर बेतौना बीओपी। सर ये पिलर नंबर 268 कितना है? 268 है। क्या बोलते हैं सर इस पिलर नंबर को? क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? 268x8 मेन पिलर। ये 33 क्या लिखा हुआ है सर? 33 पिलर नंबर है। पिलर नंबर है। कोर्ट में आते हैं कोर्ट को नाम आ।
आप लोग शादी करके आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? धनियापति से। धनियापति कहाँ जाना है आपको? सिराजिला। यहाँ पर रोक दिया आप लोगों को किस कारण से? वाला बंद है इसलिए, मतलब बॉर्डर सील है इसलिए। सर एक सवाल है आपसे सर, ये अभी बॉर्डर जो सील किया हुआ है सर, तो मतलब किस तरह को मतलब यातायात चालू है और बंद क्या सब? यातायात जो नेपाल के हैं, नेपाल के रहने वाले अगर उधर से आ रहे हैं तो हम उसको वेरीफाई करके पहचान पत्र देख के उस हिसाब से छोड़ रहे हैं जो वो इलेक्शन में भाग ले सके। अच्छा, इमरजेंसी सेवा कौन कौन चालू? इमरजेंसी सेवा जैसे एम्बुलेंस कोई बीमार हो गया जी, वही चालू है। और कोई? अच्छा, कोई शादी हुई है मान लीजिए और दुल्हन को लेकर के जा रहे हैं बाराती अपने घर वापस, तो उसको आप रोकेंगे कि छोड़ेंगे? नहीं, उसको हम छोड़ देते हैं, चेक करके थ्रू वेरीफाई करके उसको हम छोड़। वो भी इमरजेंसी सेवा हुआ। आप क्या नाम सर, क्या बताए थे? मैं सब इंस्पेक्टर रुपेश कुमार चौधरी। आप तो इंचार्ज हैं यहाँ के? हाँ जी सर। थैंक यू सर।